सो हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर बच्चे, लास्ट वी हैव कंप्लीटेड लाइक ब्रेकडाउन वोल्टेज एंड मतलब लाइक वी हैव टोटली कंप्लीटेड द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जिसमें लास्ट कंप्लीट किया था कि अगर हम अप्लाइड वोल्टेज एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं और डीसी अप्लाई करते हैं तो क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमने किया था कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस, मतलब डाइलेक्ट्रिक को के लॉसेस को बढ़ाने में। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़। तो इन प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आपका आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, इट इज़ विज, तो आपका है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपकी तीन चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तीन आपकी प्रॉपर्टीज़ आएंगी इसमें। फर्स्ट है आपकी सॉल्युबिलिटी, ठीक है, घुलनशीलता। ठीक है, सबसे पहले क्या आपकी सॉल्युबिलिटी, 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 घुलनशीलता, राइट, सॉल्युबिलिटी। आफ्टर देन केमिकल रेजिस्टेंस, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है केमिकल रेजिस्टेंस। इसको आप आर से भी दिखा सकते हो, केमिकल रेजिस्टेंस आर सी लिखे। ठीक है, आफ्टर दैट है आपकी वेदर एबिलिटी, वेदर एबिलिटी। ठीक है, तो इन दो को मैं जल्दी से डिस्कस कर लेती हूँ, इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो केमिकल रेजिस्टेंस आपका वो है, केमिकल रेजिस्टेंस आपका वो रेजिस्टेंस है जिसमें हम ये कहते हैं कि किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल पर केमिकल्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रोकना, वो करंट को रोकता है ना वो। तो इसी तरह पे यहाँ पे केमिकल रेजिस्टेंस में हम ये कहेंगे कि अगर हम किसी इंसुलेटिंग मटीरियल्स में हम क्या मिलाते हैं, कोई केमिकल मिलाते हैं, तो वो इंसुलेटिंग मटीरियल क्या होना चाहिए, रेजिस्टिव होना चाहिए। किसके लिए, केमिकल्स की तरफ, ठीक है, टुवर्ड्स द केमिकल इट शुड बी द केमिकल रेजिस्ट। ठीक है, तो मैं इसको ये भी कह सकती हूँ कि किसी भी केमिकल मटेरियल के प्रभाव को सहन कर पाने की एबिलिटी को क्या कहते हैं, उस पदार्थ की या उस इंसुलेटिंग मटेरियल की क्या कहते हैं, केमिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। और इंसुलेटिंग मटेरियल की जो केमिकल रेजिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, बहुत बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। कि मतलब अगर आप किसी केमिकल को मिला रहे हो उस मटेरियल में, उस इंसुलेटिंग मटेरियल में, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल रेजिस्टेंस। उसके बाद आपका आता है वेदर एबिलिटी। आपका जो वेदर एबिलिटी, वेदर का मतलब है मौसम, वेदर एबिलिटी, सॉरी ई आर रह गया इसमें, वेदर, डब्ल्यू ई ए टी एच ई आर, ठीक है, ए बी आई एल आई टी वाई, ठीक है, वेदर एबिलिटी। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं बच्चे कि आपका जो वेदर एबिलिटी का मतलब ये है कि वेदर का मतलब मौसम, एबिलिटी का मतलब क्षमता, कि अब वो किसी भी इंसुलेटर की या किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल की किसी भी वातावरण में काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, वेदर एबिलिटी कहते हैं। मतलब मौसम में काम करने की क्षमता को, ठीक है, क्या कहेंगे उसकी, वेदर एबिलिटी बोलेंगे। यानी धूप, गर्मी, बारिश, मॉइस्चर, ठीक है, आदि का आपके इंसुलेटिंग मटेरियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं वेदर एबिलिटी। मतलब किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल की वेदर एबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सॉल्युबिलिटी। अब मैं सॉल्युबिलिटी के बारे में बात ही करूँगी कि जब हम, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, कि जब हम किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में, किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, ठीक है, किसी सॉल्यूट में मिक्स करते हैं, तो उसके घुलने की क्षमता को, उसके डिसॉल्व होने की क्षमता को, डिसॉल्व, ठीक है, डिसॉल्व मतलब घुलना, घुलने की एबिलिटी को क्या कहते हैं हम, सॉल्युबिलिटी। तो मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ कि अगर मैं कहूँ कि कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ है, उस पदार्थ को आप किसी अन्य पदार्थ में मिला रहे हो, तो उसके घुलने की क्षमता को क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी कहेंगे। तो मतलब किसी पदार्थ को आप उसको सॉल्यूट बोलेंगे, ठीक है, जैसे आपने कहा पानी में आप नमक मिला रहे हैं, ठीक है, तो ये तो पदार्थ हो गया सॉल्यूट, ठीक है, और आपका जो किसी अन्य पदार्थ को आप मिला रहे हो, मतलब एक तो पानी हो गया और एक नमक हो गया, तो पानी आपका क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, ठीक है, और सॉल्वेंट क्या हो गया आपका, नमक हो गया,
और जब वो दोनों मिलने की उनके मिलने की क्षमता को क्या कहेंगे, डिजॉल्व कहेंगे, ठीक है। उसके घुलने की क्षमता को हम क्या, सॉरी, उसके घुलने को हम क्या कह रहे हैं, डिजॉल्व। उसके घुलने की क्षमता को हम क्या कह रहे हैं, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो ये जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी जो है वो जो घुलनशीलता है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, सॉलिड की भी होती है, लिक्विड की भी होती है और गैसेस की भी होती है, ठीक है। तो जब भी हम किसी केमिकल सब्सटेंस को इस तरीके से क्या करते हैं, सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिलाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक क्या बनाते हैं, एक होमोजीनियस क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है। होमोजीनियस का मतलब है सामांगी, इक्वल। जैसे आपने क्या किया, आपने पानी को नमक में मिलाया, तो पूरा का पूरा पानी आप थोड़ा 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 कितना भी करके पियो तो पानी, नमक जो है पूरा एक जैसा घुला होगा, तो हम उसको बोलते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक है बच्चे। होमोजीनियस, होमोजीनियस क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है, समझ आई मेरी बात। तो और हम, यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में मिलाते हैं, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो डिजॉल्व हो जाता है और फिर वो क्या करता है, वो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन को क्या करता है, बनाता है, फॉर्म करता है। होमोजीनियस सॉल्यूशन आपका फॉर्म होता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी नोन एज, या एबिलिटी नोन एज, एबिलिटी नोन एज सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब ये तो आपको मैंने डेफिनेशन बताई सॉल्युबिलिटी की। इंसुलेटिंग मटेरियल में जैसे मैंने बताया कि केमिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये बताया मैंने तुम्हें, वेदरेबिलिटी क्या होती है, केमिकल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, ठीक है। वेदरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, सॉल्युबिलिटी भी आपकी क्या होनी चाहिए, सॉल्युबिलिटी आपकी किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल की जो सॉल्युबिलिटी है, घुलनशीलता है, वो बहुत 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 कम होनी चाहिए। मतलब ये दोनों चीज़ें तो ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब कोई भी अगर आप उसके अंदर कुछ भी मिला रहे हो तो इंसुलेटिंग मटेरियल में उस चीज़ के पार्टिकल्स डिजॉल्व या घुलने नहीं चाहिए। तो ये क्या होती है कि आपकी जो सॉल्युबिलिटी है इंसुलेटिंग मटेरियल की क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए आपकी, हाई होनी चाहिए। ये भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। अब इसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या करेंगे, इस केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मैं आगे अब आपको बता रही हूँ कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं आपकी सॉल्युबिलिटी को। तो हम बेसिकली बता रहे हैं कि आप पे कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, इसको इफ़ेक्ट करते हैं, किसको, सॉल्युबिलिटी। तो उसमें सबसे पहला है फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है। तो बच्चे ये तीन फैक्टर्स हैं आपके जो आपकी सॉल्युबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। पहले मैंने आपको ये बताया कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तीन प्रॉपर्टीज़ बताई आपको, एक तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सॉल्युबिलिटी, मतलब केमिकल की तरफ कैसे रिएक्ट करने चाहिए, ठीक है, मटेरियल्स। तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया सॉल्युबिलिटी, केमिकल रेजिस्टेंस और वेदरेबिलिटी। केमिकल रेजिस्टेंस भी समझाया, वेदरेबिलिटी भी समझाई, सॉल्युबिलिटी मैंने आपको क्या समझाई, जब किसी सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में मिक्स करते हो, यानी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में क्या करते हो, मिलाते हो, तो उसके घुलने पर एक आपका होमोजीनियस सामांगी मिश्रण बनता है, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने आपको समझाई है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो सॉल्युबिलिटी है ये क्या होती है, इंसुलेटिंग मटेरियल की कम से कम होनी चाहिए, ये मैंने आपको सॉल्युबिलिटी बताई। अब मैं ये बता रही हूँ कि जो सॉल्युबिलिटी है वो बेसिकली कैसे कैसे इफेक्ट होती है। तो सॉल्युबिलिटी को कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती है, सबसे पहला तो आपका फैक्टर्स बिटवीन फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल, जो सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, मतलब है तो दोनों ही पदार्थ, ठीक है, सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, इन दोनों के जो उन पदार्थों के जो अणु होंगे वो आपस में कितने अच्छे, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, उन सॉल्यूट या सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में कितना अच्छी क्या है, बॉन्डिंग है, कितना अच्छा अट्रैक्शन फोर्स है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, मॉलिक्यूलर फोर्स जो है, अट्रैक्शन फोर्स नहीं, मैं मॉलिक्यूलर फोर्स बोलूँगी, उसके अणुओं के बीच में, अणु का मतलब मॉलिक्यूल, फोर्स बंद का मतलब फोर्सेस, तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस कितनी ज़्यादा है मटेरियल्स के एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो उस बात पे डिपेंड करेगी कि आपका जो मिश्रण है वो उसकी वो आपका होमोजीनियस बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। तो जैसे आपका फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स, मैं इसको ऐसे समझाऊं कि जैसे आपका सॉल्यूट था, सॉल्यूट के पार्टिकल जो हैं वो इतना ज़्यादा उनके अंदर क्या होना चाहिए, फोर्स होनी चाहिए कि वो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर क्या हो जाए, ओवरलैप हो जाए,
और तभी तो उसमें क्या हो जाएगा, मतलब वो क्या करेंगे अपने फोर्सेस से दूसरे वाले फोर्सेस को क्या करेंगे, हटाएंगे उसकी जगह से, ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे, तो पहले वाले का जो बॉन्ड है वो दूसरे वाले के बॉन्ड की तरफ क्या हो जाएगा, पहले वाले जो पार्टिकल्स हैं, जो पहले अणु एक दूसरे के साथ जुड़े सॉल्वेंट का और सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स टूट जाएगा। तो जब अट्रैक्शन फोर्स टूट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, दोनों के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे में एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो जो आपका यानी आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्सेस अलग अलग अणुओं के बीच में क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन फोर्सेस क्रिएट होगी, और जिससे आपका क्या बनेगा, आपका जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, बहुत बढ़िया होगी। लेकिन अगर आपका जो मॉलिकुलर फोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा है और जो सॉल्यूट आपने मिलाया है वो क्या करता है, उसके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को ब्रेक नहीं कर पाता, तो उस केस में आपका जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब हम इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए क्या चाह रहे हैं, इस टर्म को अगर मैं इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए कहूँ तो इंसुलेटिंग मटेरियल की जो फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स है वो क्या आना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि इंसुलेटिंग मटेरियल का, जैसे अगर मैं, जैसे आप ऐसे कह दीजिए ऑयल है, ऑयल को अगर आप पानी में मिलाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑयल तो हो गया आपका सॉल्वेंट, और पानी वाटर क्या हो गया आपका, पानी क्या हो गया आपका, सॉल्यूट हो गया, तो वो उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम दूसरा टर्म में बोलते हैं इमिसिबल, 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 इमिसिबल का मतलब है जो नहीं घुलता, और मिजिबल का मतलब है जो घुल जाता है, ठीक है। तो यानी जो पानी है वो ऑयल के सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस है उनको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो यानी उसकी जो सॉलिबिलिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो हम अपने इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए भी यही चाहते हैं कि उसकी क्या कहते हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, जो आपकी सॉलिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा, मैंने यही कहा सॉलिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए। तो उसका रीज़न यही है कि उनके बीच की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अगर वो चेंज होती है, हाई हो जाती है, तो हर बार आपका इंसुलेटिंग मटेरियल लिया आप, कुछ ना कुछ आपका प्योर तो कुछ होगा नहीं, अगर इसे नमी आ गई, ठीक है, कोई गैस से रिएक्ट कर गया तो क्या हो जाएगा, उसमें लॉसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें ये हमेशा फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स का बहुत बड़ा रोल होगा कि कौन सॉलिबिलिटी कैसे फैक्टर हो फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स से, तो आप समझाएंगे। उसके बाद आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है सॉलिबिलिटीज, जैसे मैंने बताया तीन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और एक हो गया आपका गैस। तो सॉलिड और लिक्विड का तो टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका जो सॉलिबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, सॉलिड और लिक्विड के लिए इफ़ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो उसकी सॉलिबिलिटी क्या है, इंक्रीज होगी। लेकिन गैस में ऐसा नहीं होता, गैस में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर रहे हो, तो उस केस में आपका जो सॉलिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसका उल्टा इफेक्ट आता है आपका किसमें, गैसेस में, ठीक है। तो यानी इसके अंदर तो बढ़ाने पर बढ़ रही है, लेकिन वहाँ पर बढ़ाने पर क्या हो रही है, सॉलिबिलिटी आपकी क्या हो रही है, घट रही है। उसके बाद आपका था प्रेशर, जो प्रेशर है अगर हम किसी सरफेस पे, जैसे मतलब आपका सपोज ऐसे कोई डाइलेक्ट्रिक है, ये प्लस प्लस, ये डाइलेक्ट्रिक है, अगर आप इसके सब, जैसे आपने वोल्टेज बढ़ाई, ठीक है, या आपने कहीं, मतलब ये तो आपका एक सर्किट हो गया, आपने सपोज यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया आपका, ठीक है, वो किसी भी डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है। तो जैसे आपका प्रेशर अगर सरफेस पर पड़ता है तो उस सॉल्यूशन पर क्या होता है, बहुत लिटिल इफेक्ट होता है, किसके केस में, सॉलिड और लिक्विड में, यानी सॉलिड और लिक्विड में अगेन प्रेशर बढ़ने पर, सरफेस पे प्रेशर पड़ने पर, सॉलिड और लिक्विड में प्रेशर बढ़ने पर सॉलिबिलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका गैसेस पे, ठीक है, गैसेस के केस में आपका क्या होता है, सॉलिबिलिटी जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा ज़्यादा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जितना ज़्यादा आपका प्रेशर बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसके अंदर क्या होगा, आपका सॉलिबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा आप सोचोगे मैडम हर बार सॉलिड लिक्विड पे तो फ़र्क पड़ नहीं रहा, पर गैस पे फ़र्क पड़ रहा है। उसका रीज़न बच्चे ये है कि जो सॉलिड और लिक्विड है, तो सॉलिड के अंदर, सॉलिड जो क्या ठोस, तो
तो उसके अंदर तो क्या, जो आपके अणु है वो बहुत टाइटली बाउंड रहते हैं, बहुत जल्दी से उसकी आकृति जो क्या है, उसके जो अणु है बहुत अच्छे से क्या रहते हैं, रेगुलर फॉर्म में रहते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड में उससे थोड़ा कम होता है, लेकिन गैस में आपका जो जो आपके मॉलिकुलर फोर्सेज है एटम्स के बीच में, वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, ढीले होते हैं, ठीक है, कमज़ोर होते हैं। तो इसलिए वहाँ पे अगर आप कोई भी इफेक्ट देखोगे तो वो इफेक्ट वहाँ पे ज़्यादा पड़ता है। समझ आ गया मुझे बात? थैंक यू वेरी मच।